शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से नहीं, ये नहीं हो सकता। कीर्ति, मेरी बहन, नहीं। तुम्हारी बहन जिंदा है। कुछ नहीं हुआ इसे। आप हमें बता सकते कि वो रोशनी मेरी कीर्ति को कहाँ लेके गई? उस लड़की ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। मैं नहीं बचा पाई उसे। मैंने वो हिरन का पेंट लगा दिया था उसकी चप्पल के नीचे। वो उसके पैरों के निशान तुम पीछा करोगे ना, वो मिल जाएगी तुम्हें। हे भगवान, इनकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। इतना खून बह रहा है, हम इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। किसी को इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अबे, आप एक काम कीजिए, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं और वरुण जी कीर्ति को ढूंढने के लिए जाते हैं। नहीं श्रद्धा, रोशनी ने कहा था कि मुझे अकेला आना है। वो तुम दोनों को देखेगी तो कीर्ति और तुम दोनों को चोट पहुंचा सकती है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। नहीं अबे, अबे आपको मेरी कसम है, हम इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अबे अबे प्लीज, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। अबे आपको मेरी कसम है, प्लीज। हम कीर्ति को कुछ नहीं होने देंगे और इस बार उस रोशनी को सजा मैं खुद दूंगी। आप प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। अबे प्लीज। देखिए, अभी तक उन लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है। हमारी टीम उन्हें ढूंढने में लगी है और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और इस बार हम उस रोशनी को पकड़ के ही रहेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अब हम लोग चलते हैं। सब हमारी गलती है। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य खड़ी थी जब वो लड़की इस घर में आई और हमें लगा कि वो हमारे बेटे के लिए अच्छी है। अब हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। अब अपने आप को दोष मत दीजिए तनुजा जी। उस वक्त भी तो आप अपने बेटे की खुशी के बारे में ही सोच रही थी ना। हाँ, पर अब वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि पहले भी वो हमारे बेटे को हमसे छीनना चाहिए। अभी संभालिए खुद को। माता रानी ने हमारे बच्चों को इतने कष्ट दिए, उससे लड़ने की हिम्मत भी देगी ना। देखिए, वो चारों किसी भी वक्त आ सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है। तुमसे मिलने से पहले ही मैं मर ही जाता हूं। तुम्हें आसान से मौत दे रही थी मैं, लेकिन तुम्हें वो तो चाहिए नहीं थी, तो मरो यहाँ पे। रोशनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो, छोड़ो हमें। तुमने अभी मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है कीर्ति, भूल गई क्या? तुम्हारी बहन को जमीन के अंदर गाड़ दिया था मैंने
और तुम हवा में नीचे फेंकी जाओगी उड़ते हुए इसी गाड़ी के अंदर। किसी और के किए की सजा हमारे बच्चों को ना मिले जिन्होंने गलती की, सजा भी तो उन्हीं की होनी चाहिए ना। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए माता रानी, वो सही सलामत घर वापस आ जाए, हम बस यही चाहते हैं। भागना चाहती तो तुम यहां से, तुम ठीक हो ना? धब्बा हो तुम डॉक्टर के नाम पे, जिन हाथों से तुम्हें जान बचानी चाहिए उन्हीं हाथों से तुम मेरी बहन की जान लेना चाह रही थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या लगा जरा सा कानून से हम दूर क्या हुए, अलग हो गए क्या? उनका सिखाया हुआ अभी भी हमारे नसों में है और उसी कानून की मदद से ना हम तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे। अब मैंने पुलिस को खबर कर दी इस पते की, वो आकर इसे पकड़ लेंगे। चलो हम सब चलते हैं। कीर्ति आराम। हाँ।
अच्छा वो औरत ने हमें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता दिया, वरना हम सब बहुत मुसीबत में पड़ जाते। हाँ, भगवान करे कि वो ठीक हो। श्रद्धा, श्रद्धा बस मेरी कीर्ति को बचा लो। कीर्ति, प्लीज बचाइए हमें। बढ़िया है, लगता है आज इस त्रिपाठी परिवार की एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही निपट जाएगी। यहाँ मजा आ गया। कीर्ति, कहाँ जा रही हो? श्रद्धा, बहुत प्यार है ना अपनी बहन से, आज ये प्यार और ये रिश्ता दोनों खत्म हो जाएगा, समझी? कीर्ति, दीदू, पहले उसका हाथ छूटेगा, फिर उसकी सांसें टूटेगी तुम्हारी आंखों के सामने। कीर्ति, कीर्ति छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, मैं आ रही हूँ। बचाइए। दीदू, मैं बचाई, मैं बहुत डर लग रहा है। कीर्ति, कीर्ति, दीदी, दीदू, कीर्ति, 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 मैं आ गई हूँ। कीर्ति, दीदू, कीर्ति छोड़ना नहीं, कीर्ति, मेरा हाथ पकड़े देना, छोड़ना नहीं। कीर्ति, दीदू, हमारा ना हाथ फिसला जा रहा है, हम मोड़ नहीं पकड़ सकते। कीर्ति, हिम्मत मत छोड़ना। कीर्ति, हिम्मत मत छोड़ना। कीर्ति, रोशनी नहीं, क्या कह रही हो रोशनी, तुम पागल हो गई हो क्या? रोशनी नहीं,
नहीं छोड़ना मत, मेरा हाथ पकड़ के रख, कुछ नहीं होगा तुझे कीर्ति। बहुत प्यार आ रहा है ना अपनी बहन पे, जो तुम्हारी जिंदगी को खराब करने पे तुली हुई थी। यही जगह वरुण जी ने हमें बताई। हे माता रानी, हमारे बच्चों को बचाए रखिएगा। हे भगवान, कीर्ति भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। कीर्ति भाभी, कस के पकड़ के रखो, जोर लगाओ ऊपर की तरफ। रोशनी, आज तुम्हारी मौत तय है श्रद्धा, और अभय अगर मुझे मिले या ना मिले, लेकिन अभय और श्रद्धा का नाम कभी एक साथ नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं। श्रद्धा, अलविदा। श्रद्धा, गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
बेस्ट टीम, यहाँ पर पहाड़ी से दो लोग नीचे गिर गए हैं, जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम भेजिए। ओके इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल अभी अपने परिवार को लेकर आप घर जाइए, हमने रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया है, वो लोग आकर तलाशी करेंगे और जैसा भी रहेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए, तुम लोग भी घर चलो बच्चा। नहीं पापा जी, वरुण जी को साथ लाए बिना हम घर वापस नहीं आएंगे। मैं भाई को लिए बिना नहीं आऊंगा वापस। नहीं माता रानी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप वरुण जी को हमसे नहीं छीन सकती। मार डालेंगे हम आपको, आपने हमसे हमारे वरुण जी को छीन लिया, अब हम क्या करेंगे? हाँ? हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, रोशनी के कारण नहीं, आपके कारण मरे हैं वरुण जी। हमारी दीदू ने हमारे पति का खून किया है, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।